एक्शन फिल्मों की बात हो और उसमें हम वायरल के स्पाई यूनिवर्स की बात ना करें, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो ये भैया फिल्म आ रही है वायरल की एक और स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड, लेकिन ये फिल्म थोड़ी अलग है। जो भी उनके बाकी की फिल्में आई हैं, चाहे पठान हो या फिर टाइगर हो, कई सारी फिल्में आई हैं अभी तक स्पाई यूनिवर्स की, उनसे यह फिल्म काफ़ी अलग होने वाली है, क्योंकि पहली बार स्पाई यूनिवर्स में कोई फीमेल लीड होगी और ये जासूस बनेंगी। और ये जासूस जो है, एक तो बॉलीवुड की काफ़ी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं, और एक है जो जिनको राइजिंग स्टार बोल सकते हैं। तो पहली है आलिया भट्ट और दूसरी है हमारी शर्वरी वाघ, जिन्होंने जिनकी फिल्म हाल ही में मुंजिया आई थी, काफ़ी हिट भी रही, और ये दोनों लेडीज इस फिल्म को लेकर आ रही हैं। फिल्म का टीजर भी आ चुका है अल्फा, इसका नाम है अल्फा। इनमें दोनों अल्फा लेडीज आएंगी और स्पाई यूनिवर्स का जो इसको एक फीमेल स्पाई लीड के पहली बार ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगी, जिसके लिए ऑडियंस भी काफ़ी एक्साइटेड है। और हाँ, फिल्म में क्योंकि एक्ट्रेस पहली बार जासूसी करती नजर आएंगी, इसके लिए ऑडियंस में है ये कि कैसा होने वाला है, इसका प्लॉट क्या है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आई है, और ये बड़ी अपडेट ये है कि फिल्म में हमारे शाहरुख खान यानी कि बादशाह और पठान की कैमियो हो सकता है। और एक इसका जो हिंट है वो बातों बातों में एक इंटरव्यू के दौरान शर्वरी वाघ ने दिया है। शर्वरी वाघ ने ये तो कन्फर्म नहीं किया ऑफिशियली कि शाहरुख इसमें होंगे ही होंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातें की, इसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाहरुख खान इसमें कैमियो कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है स्पाई यूनिवर्स की इस फीमेल लीड फिल्म अल्फा में अगर शाहरुख एंट्री करते हैं, तो आप सोचिए कि एक तरफ आलिया भट्ट होंगी, शर्वरी वाघ होंगी और उनके साथ शाहरुख खान आते हैं, तो क्या मजा आने वाला है, क्या पूरी फिल्म का कैसा प्लॉट होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम शाहरुख की एक फिल्म आई थी जवान, जिसमें उन्होंने बातों बातों में एक डायलॉग में बोला था आलिया भट्ट से शाहरुख खान का जो कनेक्शन है थोड़ा पुराना है। वो दोनों एक साथ पहले डियर जिंदगी फिल्म में भी नजर आ चुके हैं, स्क्रीन पर एक बार दोनों फिर से साथ दिखेंगे। और लेकिन ये वाली फिल्म थोड़ा ना ही रोमकॉम होगी, ना ही कुछ एक्शन होगी, बवाल होगी। तो क्या लगता है कि क्योंकि ऐसा होता है स्पाई यूनिवर्स में कि जब एक जासूस फंस जाता है तो उसको हेल्प करने के लिए स्पाई यूनिवर्स का दूसरा जासूस भेजता है, भाई मेकर्स का ये प्लॉट में होता है, ऐसा टाइगर में हुआ था, पठान में भी ऐसा क्रॉस ओवर देखने को मिला था। तो क्या लगता है कि ऐसा अल्फा में होगा? अगर ऐसा होता है तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं और अल्फा पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की, सिनेमा वर्ल्ड के अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।